जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड एटिंग एंड को। आज संडे है, छुट्टी है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है ना एक अपना शौक जो है वो शेयर करता चलूं। जैसे कि काफ़ी भाइयों को पता भी है कि मुझे ना बर्ड्स रखने का बहुत शौक है, तो क्योंकि ये देखें, ये एक मैंने रूम बनाया हुआ छत पर, आँख मेरी लाल हुई, पता नहीं क्या हुआ वो आँख को 4-5 दिनों से। यहाँ पर मैंने बर्ड्स रखे हुए, लाइट ऑन करते हैं पहले तो लाइट ऑन हो गई है और वह हम चलते हैं अंदर। आज आपके साथ थोड़ी सी इसके बारे में बातें शेयर करूंगा। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, कर रहा हूँ, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो अलग बात है कि मोर्टेलिटी होती रहती है क्योंकि लाइफ स्टॉक है, लेकिन ये एक मुझे शौक बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये घर रेंट का है इसलिए ज़रा ये छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो मेरा घर भी स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन उसकी, तो फिर उसके ऊपर मैं आपको पूरी छत पे जो है वो शौक दिखाऊंगा। और नई फैक्ट्री में तो मैंने बनवाए हैं खुदे, तो आपको क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, कहाँ से शुरू करूं। सफाई होने वाली है, अभी लड़का नहीं आया क्योंकि इतवार का दिन है। ये देखें जी, ये ऑस्ट्रेलियन बजरी जो आम होते हैं, सादा बजरी वो हैं। नर सारे बाहर बैठे हैं, मादियाँ अंदर बैठी हैं, डब्बों के अंदर अंडे आए हुए हैं, ठीक है, और बल्ब लगाए हैं सर्दी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत प्यारा शौक है। एक तो ये कि ये अर्निंग भी देता है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखें, एक तो ये कि ये आपको अर्निंग भी देता है, और अर्निंग भी इतनी कमाल की देता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और एक इसके साथ साथ जो है वो आप किसी गलत सोहबत में नहीं बैठते, किसी गलत सोहबत का शिकार नहीं होती। ये वो लाइटें लगी हुई हैं जिसके मैंने वीडियो अपलोड की थी कि हमारी ट्यूबलाइट जाया हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने डीसी 18 वाट की चिपे लगाई थी। आप क्या बात हो रही थी, हाँ आप गलत जगह नहीं बैठते, आपकी गलत जो है वो नहीं होती। बहुत प्यारा शौक है, बंदा इधर जो है ना संडे के दिन जैसे मेरा होता है कि मैं 2-3 घंटे इधर अपनी फैमिली के साथ, 2-3 घंटे इधर, तो मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरता है और बड़ा फ्रेश फील करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे जो है ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जी कोकिल हैं सारे, ठीक है, बच्चे निकले हुए हैं, कुछ इसमें से जवान हो गए हैं, और वो कोकिल जो है वो हैंड टाइम है, तो लेकिन वो जो ना वो भी वाइल्ड हो गए क्योंकि काफ़ी देर, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, सुबह जाना और रात को आना है। ये भी बजरी हैं, ये भी बच्चे निकले हुए हैं, तो बच्चे आ जाते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं। ये भी बजरीज हैं, ये भी बजरीज हैं, ठीक है ना। ये जो ऊपर हैं ये सारे कोकिल्स ही लगे हुए हैं, इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं, ये जोड़े ने, ये इनो है, ये इसने भी दिया हुआ है जोड़े। और उसके बाद जो है जी मैं आपको दिखाता हूँ अपना लव बर्ड, जो मैंने लव बर्ड लगाया हुआ है दूसरे साइड। ये है जी लव बर्ड के जोड़े पेयर, इसमें पेयर हैं, तो ये अभी मैं कैमरे में चेक करने लगा हूँ। ये देखें, ठीक है, इधर भी लव बर्ड, इधर भी लव बर्ड, ये सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये एग्स वगैरह भी आए हुए हैं इनके, ऊपर भी लव बर्ड है। ये जी आम हमारा जो पाकिस्तानी तोता है, इंडियन इंडियन है वैसे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना ये पसंद किया जाता है बच्चों के लिए, और घर में लोग शौक से पालते हैं। वो एक जोड़ा रखा हुआ है, ये एक पिजन का जोड़ा है, और ये मुझे एक गिफ्ट आया था बच्चा मोर का, वो पल रहा है। मुर्गियाँ जो थी मेरी वो मेरी मर गई हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, कंट्रोल नहीं हो सका, टेम्परेचर जो है वो अभी भी 17 पे है, तो ये देख रहे ना जैसे ये बैठे हुए हैं, इन सारों को ना तकरीबन ठंड लगी हुई है, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए भी नुकसानदेह है। ये है जी एक मेरा छोटा सा शौक, ठीक है, जो संडे वाले दिन मैं करता हूँ, बाकी दिन तो भाई छोटा जो है वो संभालता है, दाना पानी वही करता है आम दिनों में भी। मैं तो सिर्फ ये कि मेरा शौक है तो मैं इसको देखता हूँ, इससे अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। और एक चैनल भी नया मैंने बनाया है, तो मैं अभी रुका हुआ हूँ खुद ही क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इंशाल्लाह उस पर भी अपडेट करना शुरू करूँगा इन हवाले से और मुख्तलिफ बिज़नेस के हवाले से, प्रैक्टिकली कि आप कौन कौन सा करके और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको आज शेयर करनी थी वीडियो आपके साथ, मैं कहा संडे चलें एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और साथ आप भाइयों को जो है वो एक नई फील्ड भी नज़र आएगी, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा शौक है और कितना अच्छा बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।